students, welcome back. Today we are going to continue our chapter rights in the Indian Constitution. आज के लेक्चर में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे second last topic of our chapter, that is fundamental duties of the citizens. अभी तक हमने अपने पिछले सारे लेक्चर्स में बात की है different fundamental rights की as well as directive principles of state की. अब ये fundamental duties क्या है? जैसे हमें हमारा देश, हमारी कंट्री, हमारा नेशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, वो राइट्स दिए गए हैं फ्रॉम अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे ही अगर हमें कुछ राइट्स मिले हैं तो बदले में कुछ हमारी ड्यूटीज भी हैं अपने नेशन के प्रति. वो जो नेशन के प्रति हमारी ड्यूटीज हैं वो क्या है? दोज ड्यूटीज आर नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज. अब हुआ क्या था, एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं डाला गया, लेकिन बाद में इन 1976 उस अमेंडमेंट में क्या किया गया? दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन. इस अमेंडमेंट में क्या डाला गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को एक लिस्ट बनाई गई कि अगर हमें फंडामेंटल राइट दिए जा रहे हैं तो बदले में देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज बनती है, राइट? तो वो जो ड्यूटीज हैं वो कब की गई, कब कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई? इन 1976 में. कौन से अमेंडमेंट में डाली गई? इन 42nd अमेंडमेंट. ये आपके वन मार्क इन बिटवीन क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रिपेयर इट अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? अब ये जो ओवरऑल उस समय में जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया था तो उस समय कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो इसमें डाली गई? इन ऑल 10 ड्यूटीज वर इन्यूमिनेटेड. एट दैट टाइम कितनी ड्यूटीज इसमें इंक्लूड की गई थी? 10 ड्यूटीज. लेकिन लेटर ऑन इन 2002 जब कॉन्स्टिट्यूशन के 86th अमेंडमेंट हुआ तो 86th अमेंडमेंट में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज में डाल दी गई. तो इस तरह से 2002 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज 10 से बढ़कर कितनी हो गई? 11, राइट? तो ये हमारे के लिए अब यहां आपसे पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11. पहले कितनी थी 76 में? 10. तो 11th जो है वो कब डाली गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल ड्यूटीज में? 11th ड्यूटी को कब डाला गया? इन 2002 में. कौन से अमेंडमेंट में डाला गया? 86th अमेंडमेंट, राइट? अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी, कौन सी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई? सबसे पहली क्या है? टू ऑब्लाइज विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. कि अपने देश की रिस्पेक्ट करो, अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, राइट? सेकंड क्या है? फॉलो आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम हमने आजादी किसके लिए ली थी, वो समय में हमारे आइडल्स क्या थे, उनको फॉलो करना. देन प्रोटेक्ट सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया. देश की सोवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, राइट? और फोर्थ हमारा क्या आता है? डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन. अपने देश की सुरक्षा करना, जब भी कंट्री को जरूरत हो हम उसके लिए, जब भी हमें जो है देश के लिए कुछ करने की बात आती है तो उसमें हमें हमेशा आगे होना है. देन टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड ब्रदरहुड. सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाना है. सोसाइटी में हमारी क्या ड्यूटी बनती है? ब्रदरहुड की फीलिंग को बढ़ावा देना. देन प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर एज वेल एज प्रिजर्व नेचुरल एनवायरमेंट. एथ इज डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. हमें जो सोचना है, हमारे जो आइडियाज होंगे देश की प्रोग्रेस को लेकर, वो किस पर बेस्ड होने चाहिए? लॉजिक पर बेस्ड होने चाहिए. दैट शुड बी साइंटिफिक. एंड सेफ गार्ड ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी. किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है. हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पब्लिक पार्क वगैरह में जाते हैं, जब हमने खाया वही सारा गंद फेंक दिया. या फिर आपने कहीं जगह देखा होगा गवर्नमेंट इतने सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाती है, हम लोग क्या करते हैं, जाके उसके नाम नाम लिख के आ जाते हैं, राइट? कुछ लोग अपने हार्ट्स बना के आ जाते हैं. तो व्हाट इज दैट? यू आर गोइंग टू डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ द दैट पब्लिक प्रॉपर्टी. जो किसकी है? पब्लिक. यानी पब्लिक है तो किसकी है? गवर्नमेंट की. जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है बल्कि उसे प्रोटेक्ट करना है. हमें कहीं कुछ लिखना नहीं है. हमने अगर कहीं पर बैठ के किसी पार्क को यूज किया, वहां कुछ खाया, तो इमीडिएटली हमें वो सारा अपने जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करके अपने अपने साथ लाकर डस्टबिन में डालना चाहिए, राइट? तो ये भी क्या है? दिस आल्सो कम्स अंडर अवर फंडामेंटल ड्यूटी.
इसके साथ साथ टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस, हमेशा एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना। अब ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज कब कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी? इन 1976 इन 42nd अमेंडमेंट। लेकिन बाद में 2002 में जब 86th अमेंडमेंट हुआ तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी विच वॉज एडेड। वो 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी डाली गई? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 4 ईयर्स ऑफ एज। 11th में दो काम किए गए। सबसे पहला ड्यूटी क्या दी गई कि 6 से 14 ईयर्स तक के एज के जो बच्चे हैं उन सबको एजुकेशन मिलना जो है, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट? एक ये फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरी हमारी ड्यूटी पेरेंट्स के लिए भी डाली। अब पेरेंट्स की ड्यूटी क्या डाली? दैट ड्यूटी एज अ पेरेंट्स टू इंश्योर दैट सच अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग अवार्डेड टू देयर चिल्ड्रन। कि ये ड्यूटी पेरेंट्स की ड्यूटी है कि साथ ही साथ की कंट्री तो करेगी ही करेगी कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन, लेकिन साथ साथ पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि उनके बच्चों को जो 6 to 14 ईयर्स के हैं सबको एजुकेशन मिले, राइट? देन अब ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमने डिस्कस की है, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटी किसी भी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कोई अफेक्ट नहीं करती है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फंडामेंटल ड्यूटी दी है आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कोई फंडामेंटल राइट ले लिया जाएगा। नो, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपसे नहीं लिया गया। इसीलिए कहा गया है कि इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो एज इट इज है, बट उसके साथ साथ हमारी कंट्री के प्रति कुछ ड्यूटीज लगाई गई हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर कंट्री। वो सारी लिस्ट क्या है? दैट लिस्ट दीज ड्यूटीज आर नोन एज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, राइट? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई फंडामेंटल ड्यूटीज आर, ये फंडामेंटल ड्यूटी डाली ही क्यों गई, इसके पीछे रीजन क्या था? तो मेन जो ऑब्जेक्टिव था फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का, उसका मेन रीजन क्या था? सबसे पहला था वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज। एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट वार्निंग, जैसे मान लीजिए सपोज यू हैव सीन कि कोई किसी ने भी उठाया नेशनल फ्लैग उसको जला दिया, अपने नेशनल एंथम चल रहा है आप बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? यू आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू योर नेशनल एंथम एज वेल एज टू योर नेशनल फ्लैग। तो ये इन एक्टिविटीज को किसमें माना गया? नेशनल फ्लैग को जलाना या उसको पैरों में डालना, नीचे गिर देना, ये सभी एक्टिविटीज क्या हैं? दीज ऑल एक्टिविटीज आर एंटी सोशल एक्टिविटीज, राइट? तो ताकि लोगों को ये ध्यान रहे कि अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट? एज वेल एज रिमाइंडर ऑफ देयर ड्यूटीज, उन्हें ये ध्यान रहे सिटीजन्स को कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कुछ दे रहा है, देश अगर उन्हें कुछ दे रहा है तो बदले में उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करें, उनकी भी कुछ ड्यूटी है। देन प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, और किस चीज को बढ़ावा देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई? कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए। कमिटमेंट कैसे? कि देश के प्रति कमिटमेंट, अपना सब कुछ न्योछावर करने की, जो हमने बोला कि जब भी देश को हमारे सर्विसेज की जरूरत हो उस समय हम उस उन सर्विसेज को देने के लिए तैयार रहें, अपने देश की को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। तो वो कमिटमेंट क्या है, वो डिसिप्लिन क्या है, उस चीज को प्रमोट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाला गया? फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट? अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर नॉन इन्फोर्सेबल। अभी हमने पहले भी बात की थी कि ये जो ड्यूटीज है दीज आर नॉन इन्फोर्सेबल। नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब है कि जबरदस्ती इनके ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ है। जैसे आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, सॉरी, यू कुड गो टू द कोर्ट, वहां से आप अपना रिस्टोर करवा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये नॉन इन्फोर्सेबल हैं, यानी कि फोर्सफुली आप पर लादी नहीं गई हैं। आपका अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं कहेगा कि आपको इन ड्यूटीज को निभाना है। लेकिन बीइंग अ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हमें ये मालूम है कि ये हमारी क्या है, दीज आर आर ड्यूटीज, राइट? इसीलिए क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई कानूनी जामा इसको नहीं पहनाया गया है, कोई किसी तरीके का लॉ नहीं बनाया गया कि अगर आप ये वाला फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं करते तो आपको इस तरह की पनिशमेंट दी जाएगी। इसीलिए इन ड्यूटीज को किस नाम से जाना जाता है? दीज ड्यूटीज आर नॉन एज सैंक्शन less duties,
राइट ये आपके वन मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. इज इट क्लियर? सो ऑल दिस इज अबाउट अवर फंडामेंटल ड्यूटी. सो होपफुली इट्स क्लियर टू यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट चैप जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे.